सो स्टूडेंट्स वेलकम, ये DCS यूनिट फर्स्ट लेक्चर नंबर 2 है। DCS में यूनिट फर्स्ट लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, डिजाइनिंग में मैंने आपको बताया था तीन मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो हम पहले सबसे पहले बात करेंगे अजम्पशंस पर। देखिए, अजम्पशंस में सबसे पहला अजम्पशंस आता है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन Before bending, even after bending, ठीक है। तो सेक्शन आपका प्लेन रहना चाहिए बेंडिंग से पहले भी और बेंडिंग के बाद भी। जैसे कोई आपकी बीम है, इस बीम पर आप कहीं भी सेक्शन ले लीजिए, चाहे सेक्शन ये 1-1 ले लीजिए, चाहे सेक्शन 2-2 ले लीजिए, ये सेक्शन आपका बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहना चाहिए, ठीक है। तो इट मींस इस अजम्पशंस का प्योरली मीन क्या है कि आपका स्ट्रेन डायग्राम जो है वो लीनियर होना चाहिए। स्ट्रेन डायग्राम क्या है आपका? लीनियर होना चाहिए। स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट अजम्पशन है, लीनियर होना चाहिए। क्लियर? अजम्पशंस नंबर 2 देख लेते हैं हम। सेकेंड अजम्पशंस है कि ऑल टेंसाइल स्ट्रेस शुड बी टेकन बाय स्टील ओनली, ठीक है। इग्नोर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो आपको कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर करना है। सारी जितनी भी मेंबर में टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगी वो कौन लेगा? स्टील लेगा, ठीक है। थर्ड अजम्पशन है कि आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर बोथ कंक्रीट एंड स्टील should be linear या straight line, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, डिजाइनिंग में आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यहाँ पर आपका स्ट्रेन आएगा और यहाँ पर स्ट्रेस आएगा, तो ये जो कर्व है वो लीनियर लेना है, इस तरह से लीनियर लाइन। और मैक्सिमम स्ट्रेस आपको लेनी है कंक्रीट में, वो लेनी है सिग्मा सी बी सी का मतलब है स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन, कंक्रीट बेंडिंग कंप्रेशन, कंक्रीट बेंडिंग कंप्रेशन। क्लियर? तो ये स्ट्रेस डायग्राम लीनियर होना चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगी सिग्मा सी बी सी होगी। क्लियर? ऐसे स्टील के लिए बात करें तो स्टील का कर्व भी लीनियर ही कंसिडर करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहाँ स्ट्रेन और यहाँ स्ट्रेस, ये कर्व भी आपको लीनियर कंसिडर करना है इस तरह से। और मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो इल्ड स्ट्रेंथ आएगी, एफ वाई इज द इल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन एफ वाई यूज नहीं करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम सिग्मा एस टी यूज करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, एफ वाई की जगह नहीं आएगा, एफ वाई अपन लिमिट स्टेट में यूज करेंगे, अपन यहाँ पर सिग्मा एस टी यूज करेंगे, ठीक है। सिग्मा एस टी यूज करेंगे, सिग्मा एस टी इक्वल्स टू स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन। क्लियर?
और ये तो अजम्पशंस नंबर थर्ड हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अजम्पशंस नंबर फोर्थ। फोर्थ अजम्पशंस बोलता है आपका कि कंक्रीट में जो मॉड्यूलर रेशियो आप यूज करेंगे उसकी वैल्यू होगी 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी, वेयर एम इज द मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो देखिए क्या होगा कि कंक्रीट में जो है आपका आरसीसी मेंबर जो है आपका दो मेंबर से बनकर बना होता है। आरसीसी जो है कंक्रीट प्लस स्टील से मिलकर बना होता है, कंक्रीट प्लस स्टील से मिलकर बना होता है। लेकिन जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसमें जो है हमने स्ट्रेस डायग्राम जो है लीनियर कंसीडर किया, और लीनियर स्ट्रेस डायग्राम के लिए जो है हमारा हुक्स लॉ वैलिड, और हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए तो हमारा सेक्शन होमोजीनियस होना चाहिए, और होमोजीनियस सेक्शन है लेकिन ये होमोजीनियस सेक्शन नहीं है। आरसीसी इज नॉट होमोजीनियस सेक्शन, तो इट मींस हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्टील को कन्वर्ट करना पड़ेगा कंक्रीट में। तो कंक्रीट में कन्वर्ट करने के लिए हम सेक्शन को जब कन्वर्ट करते हैं तो डेट सेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म सेक्शन। तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन में एक टर्म आती है जिसमें हम करते हैं, तो उसमें टर्म्स को डिफाइन किया मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, तो मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू वर्किंग स्ट्रेस में डिफाइन की 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। वैसे एक्चुअल में मॉड्यूलर रेशियो जो होता है आपका, अगर एक्चुअल फॉर्मूला देखा जाए तो ES अपॉन EC अपन यूज में लेते हैं, वेयर ES इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड EC इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। क्लियर, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी है कि एक्चुअल में मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला ES अपॉन EC होता है, लेकिन अपन को जो वर्किंग स्ट्रेस ने फॉर्मूला दिया है हम वो यूज करेंगे इन कैलकुलेशंस। क्लियर, तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्म सेक्शन की बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म सेक्शन देखिए, ट्रांसफॉर्म सेक्शन में क्या आएगा आपका कि ये आपका कंक्रीट है बीम, जिसमें ये आपकी कहीं एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस आएगी एक्स ए, ये आपका स्टील है, और स्टील का जो सेंटर पॉइंट होता है ना उसकी टॉप कंप्रेशन फाइबर से जो डिस्टेंस आती है वो कहलाती है इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, और ये जो बची हुई है ये डेप्थ कहलाती है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर में आपका आता है क्लियर कवर, जो कि पोर्शन आएगा ये पोर्शन जो है आपका क्लियर कवर है, ये वाला ये पोर्शन, ये आपका कहलाता है क्लियर कवर। क्लियर कवर जिसकी वैल्यू बीम के केस में होती है 25 mm। क्लियर, और फिर क्लियर कवर तो इफेक्टिव कवर हो जाएगा क्लियर कवर प्लस में 5/2 डायमीटर ऑफ बार बाई टू। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ का केस समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में हम इफेक्टिव डेप्थ यूज करते हैं, और ओवरऑल डेप्थ जो होती है आपकी बॉटम ऑफ द मेंबर तक, ये कहलाती कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्लियर, चलो ये एक अदर कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर अपन एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट बात कर रहे थे हम उसकी बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन की। तो देखिए ट्रांसफॉर्म सेक्शन में ये आपकी बीम हो गई, ये कहीं इसकी एक्सेस हो गई, इससे ऊपर कंक्रीट में क्या आएगा कंप्रेशन आएगा, ऑल कंप्रेशन फोर्स यहाँ कंक्रीट में क्या होगा कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, टेंशन को कौन बियर करेगा स्टील बियर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेवल पर हम स्टील प्रोवाइड कराएंगे, इस लेवल पर हम स्टील प्रोवाइड कराएंगे, और ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा जो ये ऊपर से इफेक्टिव डेप्थ डी करेगा। क्लियर, तो अब इस सेक्शन को मैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन बना दिया, ट्रांसफॉर्म सेक्शन TS। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन में क्या है, हमें स्टील को कन्वर्ट करना पड़ेगा कंक्रीट में। ठीक है, स्टील को हमें कंक्रीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारा कंक्रीट था एज इट इज कंक्रीट बीम थी, इसका सेंटर पॉइंट।
ठीक है। और यहाँ पर हमने एक कंग्लूड करके बना दिया, ये हमारा जो है कंक्रीट आ गया। अब ये सेम लेवल पर होना चाहिए, जिस लेवल पर आपका स्टील है उसी लेवल पर ये कंक्रीट होना चाहिए। अब इस कंक्रीट में जब आपने कन्वर्ट किया तो उसका हमें एक तो एरिया चाहिए, कन्वर्ट करने के बाद कितना एरिया आएगा और कितनी इसमें स्ट्रेस आएंगी, ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले तो है सिग्मा एस टी, सिग्मा एस टी इज द एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील, और सिग्मा एस टी ई इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन स्टील, ई फॉर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। ए एस टी एक्चुअल एरिया या एरिया ऑफ स्टील है ना, और ए ई इक्विवेलेंट एरिया, इक्विवेलेंट एरिया, इक्विवेलेंट एरिया, ठीक है। तो आपको ये इक्विवेलेंट एरिया कैलकुलेट करना है और इसमें स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, क्लियर। तो इसके लिए आपको स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी का अजम्पशंस यूज करना होगा, ठीक है। तो फ्रॉम फ्रॉम स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी अजम्पशंस कंपेटिबिलिटी अजम्पशंस स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन इन कंक्रीट इक्वल्स टू होता है स्ट्रेन इन स्टील, क्लियर। ये अजम्पशंस बोलता है तो एप्साइलॉन सी, ये स्ट्रेन इन कंक्रीट इक्वल्स टू हो जाएगा एप्साइलॉन एस, स्ट्रेन इन स्टील। अब स्ट्रेन इन कंक्रीट को मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस इन कंक्रीट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई सी आएगा, ई सी आएगा स्ट्रेन इन कंक्रीट, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमें जो है क्या कहते हैं, कंक्रीट में स्ट्रेन के लिए इक्विवेलेंट सेक्शन में स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ईसी, ऐसे ही स्टील में स्ट्रेस अपॉन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो सिग्मा एस टी ई को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एस टी अपॉन में और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ई एस अपॉन ई सी जो होता है एम होता है, तो ये सिग्मा एस टी अपॉन में एम आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट सेक्शन में जो स्ट्रेस आएंगी वो सिग्मा एस टी अपॉन एम आएगी, क्लियर। ऐसे ही अपन अब आगे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ फोर्स, इक्विवेलेंट एरिया इंटू इक्विवेलेंट स्ट्रेस इक्वल्स टू ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी। अब ए ई इक्विवेलेंट फोर्स अपन को निकालना है और सिग्मा एस टी ई की वैल्यू थी सिग्मा एस टी बाई एम, अभी निकाली अपन ने ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी। तो सिग्मा एस टी से सिग्मा एस टी कैंसिल हो जाएगा तो इक्विवेलेंट एरिया आ जाएगा एम ए एस टी। तो यहाँ से अपने पास इक्विवेलेंट एरिया आ गया और इक्विवेलेंट स्ट्रेस आ गई, क्लियर। तो अब इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं हम। ये आपकी जैसे बीम डायग्राम था, ठीक है, इसमें यहाँ कहीं आपके रेनफोर्समेंट थे, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म सेक्शन निकल के जो आएगा, तो ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन निकल के आएगा, इसमें स्टील की जगह ये इक्विवेलेंट सेक्शन, इक्विवेलेंट, और इस इक्विवेलेंट सेक्शन का एरिया लिखेंगे एम ए एस टी
और इसमें स्ट्रेस लिखेंगे सिग्मा एस टी अपॉन में एम। तो हम वर्किंग स्ट्रेस सेक्शन का जब एनालिसिस करेंगे तो इस वाले सेक्शन को हम लेके चले, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 था, जिसमें हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड के असम्पशंस एंड ट्रांसफॉर्म सेक्शन के बारे में डिस्कस किया।